दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि बिटसैट एग्जाम में स्टूडेंट्स मेनली दो ही कंसर्न फेस करते हैं। एक, उनसे क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, बट उनका मेन कंसर्न यही होता है कि 180 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस को मैक्सिमम आउटपुट के साथ कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच रखें, कैसे उन क्वेश्चंस को सोचें ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें उन क्वेश्चन से। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमें बिटसैट एग्जाम में एक्सेल करने के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जान लेना पड़ेगा। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्यूरेसी। बिटसैट एग्जाम में अगर आप गेस वर्क करेंगे तो लिख के ले लीजिए कि कभी आप बिटसैट एग्जाम में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड फैक्टर आता है स्पीड। अब स्पीड को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है 3S। अभी 3S स्ट्रैटेजी क्या है, वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको मालूम चलेगा कि बिटसैट में स्पीड और एक्यूरेसी आप कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या अप्रोच रख सकते हैं और कैसे आप अपने कम से कम समय में मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी आपके सामने लेके आया है 3S सीरीज। 3S सीरीज का मतलब क्या है? स्पीड शॉर्ट सीरीज। अब हम जान लेते हैं कि इस सीरीज में बेसिकली है क्या। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को डिफरेंट पूल्स में डिवाइड कर दिया है। पूल्स का मतलब ये है कि हमने एक सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर्स को एक बकेट में डाल दिया है, बाकी को दूसरे बकेट में डाल दिया है, बचे हुए को तीसरी बकेट में डाल दिया है। तो बेसिकली हमने मल्टीपल पूल्स में एक सब्जेक्ट को डिवाइड करके रखा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर वीडियो में उस पूल के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इस सीरीज की यूनिक चीज क्या है कि हम एक ही क्वेश्चन को रियल टाइम दो अप्रोच से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक वो अप्रोच होगी जो कोई भी स्टूडेंट लेता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाता है 1 मिनट। अब हम लोग जो दूसरी अप्रोच आपको दिखाने वाले हैं वो एक फ्यूचर बिट्सियन को क्या अप्रोच लेनी चाहिए वो होगी, ताकि वो 1 मिनट के क्वेश्चन को मान लीजिए आप 30 से 40 सेकेंड में कंप्लीट करवा पाए और अपने 20 सेकेंड सेव कर ले। इस वीडियो में आपको क्या और हेल्प होगी कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के अलग अलग अप्रोचेस पता चलेंगी और आपका माइंड इजीएस्ट अप्रोच सोचने के लिए केपेबल होता जाएगा। तो देखते हैं हम लोगों ने एक सब्जेक्ट को किन पूल्स में डिवाइड करके रखा है। तो आइए देखते हैं कि हमने एक सब्जेक्ट को किस किस पूल्स में डिवाइड करके रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फिजिक्स को हम लोगों ने 5 पूल्स में डिवाइड करके रखा है। पूल ए मैकेनिक्स पार्ट 1, पूल बी मैकेनिक्स पार्ट 2, पूल सी ऑसिलेशन, वेव्स और थर्मोडाइनेमिक्स, पूल डी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, पूल ई ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इन पूल्स में मैकेनिक्स पार्ट 1 ले लीजिए। तो हमने मैकेनिक्स के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कंसर्न चैप्टर्स जो कि बिटसैट सिलेबस में है, वो हम लोगों ने मैकेनिक्स पार्ट 1 में रखे हैं और वो आप अगली स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और गौर से देखिए कि हमने पूल ए और पूल बी को कैसे डिफरेंशिएट किया है। अब आपकी स्क्रीन पे पूल सी और पूल डी के टॉपिक्स हैं। वीडियो पॉज करके इन टॉपिक्स को अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। और ये है आपके सामने पूल ई के टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स और ये जो स्क्रीनशॉट्स आप देख रहे हैं, ये बिटसैट के सिलेबस के ऑफिशियल स्क्रीनशॉट्स हैं। तो हम लोगों ने सारे वो टॉपिक्स को कंसिडरेशन में रखा है जो कि बिटसैट के सिलेबस में है। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को हम लोगों ने 6 पूल्स में डिवाइड करके रखा है। पूल ए एल्जेब्रा, पूल बी ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स, पूल सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूल डी कैलकुलस, पूल ई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, पूल एफ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो एक और बार वीडियो पॉज करके ध्यान से देख लीजिए कि पूल ए पूल बी में कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे और कौन से इन टॉपिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और बिटसैट में उन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कैसे सॉल्व करें। ये आपके सामने पूल सी और पूल डी। पूल ई पूल एफ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की।
तो पांच क्वेश्चन हम जो भी आपके स्क्रीन पे लाएंगे वीडियोस में, वो पांच क्वेश्चन का लेवल हम लोगों ने ऑलमोस्ट बिटसैट के लेवल का रखा हुआ है, ताकि आपको एक फील आए कि अगर यही क्वेश्चन आपके बिटसैट एग्जाम में आ जाता है तो आपको फास्टेस्ट कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री को हम लोगों ने 7 पूल्स में डिवाइड करके रखा है। पूल ABC फिजिकल केमिस्ट्री 1, 2, 3, पूल DEF इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूल G बायोलॉजिकल और एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। वीडियो पॉज करके एक और बार पूल A और पूल B देख लीजिए केमिस्ट्री का। मैं आपको एक बार और फिर से बता दूं कि ये जो आप स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ये ऑफिशियल बिटसैट एग्जामिनेशन के वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं अपने वीडियोस में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक एडवेंचरस माइंड ड्रिल के लिए, जिसमें आपको अपने दिमाग को पूरा जोर देना पड़ेगा, ताकि आप एक क्वेश्चन को एक मिनट की जगह 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर पाएं और अगले 20 सेकंड आप अगले क्वेश्चन के लिए बचा पाएं। ऑब्वियसली दोस्तों सीट्स बहुत कम हैं और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो दोस्तों आपके पास एक मिनट ही है इस मौके को जीतने के लिए। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये नया कंसेप्ट कैसे लगा और आप इस वीडियोस के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं है। थैंक यू।